हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा यहाँ पर सेशन होगा वो उत्तराखंड करंट अफेयर रिलेटेड है और पूरे एक साल का करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो यहाँ पर काफ़ी लाभदायक होने वाली है। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी हमको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। तो वो जो चयनित किया गया गांव है वो है यहाँ पर क्या, सरमौली गांव को चयनित किया गया है और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है उसने इसका यहाँ पर चयन किया है। और अगर हम बात करते हैं सिरमौली जो गाँव है, ये केरल की एक लेडीज़ हैं रहने वाली मल्लिका वर्दी, ठीक है, और उन्होंने 2 दशक पहले इस गांव को जो है गोद लिया था और इस तरीके से डेवलपमेंट किया गया है कि यहां पर टूरिज्म को जो है सही तरीके से प्रमोट किया जाए। तो सिरमौली गांव पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो है एक जगह है जहां पर इसको जो है चयनित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहां पर कि हाल ही में ही पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया है यहाँ पर श्रीमती राधा रतूड़ी जी के द्वारा यहाँ पर ये कलेक्शन सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। तो ये किया है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य ने। सही आंसर है मेरे पास यहाँ पर क्या, सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर पिक्चर फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो वो मिला है यहाँ पर एकता गांव को यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि किस राज्य ने उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी अधिकारियों को बाध्यता से समाप्त यहाँ पर कर दिया है। तो वो कौन सा उच्चतम न्यायालय है, तो वो है यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस तरह का जो एक्ट है ये यहाँ पर काम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि तमिलनाडु में प्रस्तावित राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में चयनित हुए पार्थ सेमवाल निम्न में से कौन से जिले के निवासी हैं। तो तमिलनाडु में जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है, जो पार्थ सेमवाल हैं वो टिहरी जिले के जो है रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में किसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए यहाँ पर चयनित किया गया है। तो वो जो चयनित किए गए हैं यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, तो वो हैं यहाँ पर क्या, मनीषा नेगी को यहाँ पर चयनित किया गया है। और जो वंदना कटारिया हैं ये क्या हैं, ये एक हॉकी प्लेयर है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का देश में स्थान है वो है यहाँ पर 2रा स्थान, इसको यहाँ पर मिला है। जितना भी यहाँ पर ई वेस्ट है उसका सही तरीके से मैनेज करने में उत्तराखंड का जो है 2रा स्थान यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही उत्तराखंड में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है। तो नवाजे गए हैं यहाँ पर प्रोफेसर पीयूष राणा को, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है प्रोफेसर पीयूष राणा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड व देश का नाम बढ़ाने वाले व्यक्ति कौन से हैं। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीत का जो नाम रोशन किया है उत्तराखंड और देश का, वो है यहाँ पर संतोष कुमार ने ये काम यहाँ पर किया है, स्वर्ण पदक इन्होंने जो है अपने नाम किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ने कौन सा पदक हासिल किया। तो उत्तराखंड का जो पदक हासिल किया है यहाँ पर गोल्डन गर्ल ने, वो है यहाँ पर काश्यप पदक। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, सी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि ऊर्जा मंत्रालय की ओर से भाषा शील्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो भाषा शील्ड पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं वो है यहाँ पर टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए, टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हीकल्स पहल में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। तो उत्तराखंड जो है यहाँ पर 2रे स्थान पर रहा है खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हीकल्स पहल पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया गया है। तो
तो ये जो लाल लोमड़ी जो अभियान चलाया गया है, ये चलाया गया है यहाँ पर जंगली सूअरों के लिए, क्योंकि जंगली सूअर से क्या होता है, यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आपके यहाँ पर गेहूँ हैं, वीट हैं, या अगर हम बात करते हैं शुगर केन, इन सभी का जो है यहाँ पर सूअरों के द्वारा काफ़ी मात्रा में जो है नुकसान किया जाता है खेत के अंदर। तो मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान जो है वो सूअरों के लिए यहाँ पर चलाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि नेशनल स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम यानी NSS को राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया। NSS का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में दिया गया है वो उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय को मिला है, यहाँ पर नैनीताल के उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय को यहाँ पर NSS का राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित जो किए गए हैं वो हैं यहाँ पर कौन, सुरेंद्र सिंह को FICCI अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी यहाँ पर वो थी पीस टू प्रोस्पेरिटी, शांति से समृद्धि की ओर जो है यहाँ पर इसकी थीम रखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है यहाँ पर कौन सा, 9वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है निर्यात तैयारी सूचकांक में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया है यहाँ पर कहाँ, देहरादून में। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, देहरादून। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो रखा गया है यहाँ पर 2025 तक यहाँ पर ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है, एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि हाल ही में ही जारी राष्ट्रीय बहुसंख्यक गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है। तो उत्तराखंड जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 15वें स्थान पर यहाँ पर उत्तराखंड रहा है, एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुसंख्यक गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी यहाँ पर विद्यमान है। तो उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक जो गरीबी है वो कहाँ पर है, हरिद्वार में है। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए। और हरिद्वार की भी सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय भी है, ये भी आपको यहाँ पर क्या है, याद रखना है। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो सबसे अधिक हरिद्वार में है, और सबसे अधिक जो गरीबी है वो भी कहाँ पर है, हरिद्वार में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो नए कमिश्नर बने हैं यहाँ पर गढ़वाल के वो हैं यहाँ पर विनय शंकर नए कमिश्नर यहाँ पर बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वारा योजना किस राज्य में यहाँ पर शुरू की गई है। तो वो शुरू की गई है यहाँ पर कहाँ, उत्तराखंड में। अपनी सरकार नागरिक सेवा के माध्यम से जितनी भी यहाँ पर सर्विसेज हैं, चाहे तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड अपडेट कराना है, या कोई आपका इनकम जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आपके द्वार पर ही इस तरह की योजना यहाँ पर चलाई गई हैं। वो कहाँ पर चलाई गई हैं, उत्तराखंड में। जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपके द्वार तक यहाँ पर पहुँच जो है रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में एरोमा पार्क की को जो स्थापना की जा रही है वो कौन से ज़िले में की जा रही है। तो ये की जा रही है यहाँ पर कहाँ, उधम सिंह नगर में, और उधम सिंह नगर के जो है काशीपुर में एरोमा पार्क की स्थापना की जा रही है, एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही किसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो हाल ही में ही जो कोलजीव मेला है उसको जो है राजकीय मेला घोषित किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।